हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे काफ़ी हेल्दी और टेस्टी और सेहत से भरपूर ब्रेकफास्ट। ये काफ़ी हेल्दी है और इसको बच्चे अगर वेजिटेबल नहीं खाते या तो आप इसको इस तरीके से बनाकर उनको थेपले बनाकर दे सकते हैं, तो काफ़ी पसंद होकर खाएंगे। आइए इसको बनाना देखते हैं, काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हमने मेथी और जो कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च है एक एक ले लिया। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम या ज़्यादा। शिमला मिर्च को बीच में से कट करेंगे। उससे पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और हैंड ग्राइंडर की हेल्प से जो चॉपर होता है हमारा उसमें डाल लेंगे। उसमें बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप अगर बीच में का जो वाइट वाला पीस होता है उसको निकाल सकते हैं। इसको इसमें डालकर इसको चॉप कर लेंगे। बिल्कुल हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसको हल्का हल्का सा पीसेस में रखना है और काफ़ी मोटा भी नहीं रखना है। उसके एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब उसी चोपर में हम अपनी मेथी डालेंगे। अगर आप यहाँ पर ग्रीन चिली वगैरह डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पर जीरा लिया है और उसको इसके साथ मिक्स करेंगे। ग्रीन चिली अगर आप खाते हैं, बच्चे पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और इसको भी हल्का हल्का सा चॉप कर लेंगे, क्योंकि मेथी के अंदर जो वाटर होता है अगर तरीके से हम उसको चॉप करेंगे वो निकल कर आएगा और उसका टेस्ट जो है काफ़ी इंसेंट हो जाएगा। काफ़ी हल्का सा ये मैंने चॉप कर लिया है और इसको भी अच्छे से करके निकाल लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, पर सर्दियों में स्पेशल मेथी, पालक, ये ग्रीन कैप्सिकम के साथ इसका कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा लगता है। आप इस तरीके से ये पराठे बनाकर देखिए। अब मैंने यहाँ पर लिया है मल्टीग्रेन आटा। आप चाहे तो सिंपल गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, पर हमारी हेल्थ के लिए मल्टीग्रेन जो आटा होता है काफ़ी अच्छा होता है। उसमें मैंने नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ये ऐड किया है। और सबसे पहले हम उसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, जो हमारा जो हमने इसमें वेजिटेबल डाली है और आटे को हाथ से ही मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें जो भी पानी है वेजिटेबल के अंदर उससे ही इसका मॉइस्चर बन जाए। अगर हम स्टार्टिंग में पानी डालेंगे तो आटा जो है काफ़ी लूज हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा पानी लेंगे और उसको मिक्स करते रहेंगे। हल्के हल्के से हाथों से इसको मिक्स करना है। काफ़ी टाइट आटा नहीं बनाना है, सॉफ्ट आटा बनाना है। जैसे हम नॉर्मली आटा बनाते हैं अपनी रोटी के लिए, सेम वैसे ही बनाना है। थोड़ा सा पानी और लेंगे और इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा आटा जो है काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, आटा गूंथ कर रेडी हो गया है। अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। कवर कर रख देंगे एक बाउल में डालकर। रोटी बनाने के लिए पराठा जो भी आपको इसका बनाना है, आप चाहे तो इसका पराठा रोटी कुछ भी बना सकते हैं। एक सूखा आटा लगाएंगे हल्का सा, सेम वही प्रोसेस है जैसे हम रोटी बनाते हैं, और इसको बेलते जाएंगे। ये काफ़ी हेल्थी होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बच्चे, बड़े, बूढ़े, घर पर कोई भी इसको खा सकता है, काफ़ी सेहतमंद होता है ये। अभी हमारा जो पराठा है वो बिल गया है, तवे पर मैंने थोड़ा सा घी लगाया। आप चाहे तो यहाँ पर ऑयल भी लगा सकते हैं। हल्का सा घी लगाएंगे। इसके अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल होती है, ये थोड़ा सा फट जाता है, लेकिन हमने इसको काफ़ी सॉफ्ट आटा बनाया है इसलिए नहीं फटेगा। अगर आटा टाइट रहेगा तो सारी वेजिटेबल वगैरह बेलते टाइम पर ये फट जाएगी। वहाँ पर दोनों साइड से घी लगाकर इसका पराठा रेडी करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपके घर में बच्चों, बड़ों को सबको ये पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया। अभी हम इसको सर्व करेंगे एक प्लेट में डालकर। ग्रीन चटनी के साथ लिया है, हरा धनिया की घर की बनी चटनी और दही के साथ। हम इसको अपने नाश्ते, लंच या डिनर में भी ले सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।